Welcome to our channel English Time with me. Hello, welcome back. You know, there are many ways to beautify your language. There are so many ways, to polish your language. Sometimes it depends upon the way you pronounce the words. Sometimes it depends upon, the choice of the words. इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आज हम के आज जो मेरा टॉपिक है. यू कैन सी देर आर टू वर्ड्स रिटन ऑन द बोर्ड. ओके, दे सीम वेरी दे लुक वेरी सिमिलर, बट इफ यू ऑब्जर्व द माइन्यूटली देर इज डिफरेंस स्पेलिंग्स. दिस वन इज GOAL गोल एंड दिस वन इज GAOL गोल. यहाँ पर OA है, यहाँ पर AO है. ठीक है, एक चीज़ तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये दिखते तो सेम हैं, लेकिन क्या इनकी प्रोनंसिएशन सेम है, क्या इनके मीनिंग्स भी सेम है. ठीक है, सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ यू नो अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यूजिंग अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज इज व्हाट द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स एंड योर यू नो अ ब्यूटीफुल एक्सेंट एंड प्रोनंसिएशन एज वेल. दिस वन इज गोल, GOAL गोल. दिस वन GAOL गोल. आप इसको मे बी पढ़ सकते हैं या लोग पढ़ते होंगे गोल, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड लाइक दिस. ये गोल नहीं है. ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स इज ऑफ प्रोनंसिएशन. एक तो प्रोनंसिएशन है, दिस इज गोल एंड दिस वन इज जेल. ये गोल नहीं है, दिस वन इज जेल. ठीक है, इफ यू find the meanings of these two words, you will see this goal is very simple. This means you can say aim, okay, aim or target can also be said, and jail. Iski pronunciation jail hai. And now what is the meaning of this word jail? The meaning of this word is also jail. Theek hai, इसका मीनिंग जेल है, इसकी प्रोनंसिएशन भी जेल है. देन दिस इज गोल, एम. ठीक है, अब इनको हम कैसे यूज करेंगे? दिस वन इज वेरी सिंपल. मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा है, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव योर गोल. इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव योर गोल. इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव योर गोल. अगर आप मेहनत करते हैं, आप अपना गोल, अपना एम, अपना टारगेट अचीव कर सकते हो. ठीक है, इस गोल का मतलब एम है. और इसका मतलब आप स्पोर्ट्स में भी देख सकते हैं. इट इज़ यू नो अ प्लेस, आप उसको टारगेट कह सकते हो, वेयर इन यू हैव टू पुट सम ऑब्जेक्ट इन टू इट. ओके, लाइक फुटबॉल में आप देखते हैं, सॉकर में आप देखते हैं कि वहाँ गोल इंसान करता है फुटबॉल में. ठीक है, तो एक पोस्ट होती है, गोल पोस्ट. वो एक टारगेट होता है जहाँ पर आपने अपने बॉल को पहुँचाना होता है. एक वो भी गोल होता है, आप उसको टारगेट कह सकते हो, या उस पोस्ट को उसको हम गोल कहते हैं. ठीक है, इसका मीनिंग ये भी है. ठीक है, नाउ इट वाज दिस गोल. ठीक है, तो आप उसमें आप हम देख सकते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे आई स्कोर, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई स्कोर टू गोल्स. आई स्कोर टू गोल्स, मैंने दो गोल्स किए. एज नाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर भी एज नाउन ये यूज़ हुआ है. ठीक है, ये स्पोर्ट्स वाला गोल है. ठीक है, देन अगर आप उस वर्ड को देखते हैं जेल, इसको गोल नहीं पढ़िएगा, इसको जेल पढ़िएगा, एंड इसका मीनिंग भी जेल है. ठीक है, सो यू कैन से, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, इफ़ यू कमिट अ क्राइम यू विल बी पुट इन टू द जेल. हम यहाँ पर जेल भी लिख सकते हैं, JAIL जेल भी आप कह सकते हैं. ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं, बट अगर आप ये वर्ड यूज करते हो, ये वर्ड चूज करते हो, इट ब्यूटिफाइज योर लैंग्वेज. इससे आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, थोड़ी सी डिस्टिंग्विश्ड सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज लगेगी. ठीक है, सो द प्रोनाउंसिएशन इज जेल एंड द मीनिंग इज ऑल्सो जेल, प्रिजन. कि जेल में जब कोई बंद कर दिया जाता है, इफ़ यू कमिट अ क्राइम यू विल बी पुट इन टू द जेल, आपको जेल में अब भरा जा सकता है. ठीक है, सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. आई होप के
ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी. और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.